आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन अनफेवरेबल पासबुक बैलेंस इज गिवन। यानी आज हम देखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को किस तरह से बनाया जाता है जब हमारे पास पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी कहा जाता है, पासबुक का या बैंक स्टेटमेंट का अनफेवरेबल बैलेंस गिवन होता है। इससे पहले कि हम इस पर जाएं, हम देखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट के दरमियान डिफरेंस को जानने के लिए बनाई जाती है और इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए बनाई जाती है। कैश बुक क्या होती है? जहां हम अपने बिजनेस में आने वाला तमाम कैश, जिसे हम कैश इनफ्लोज कहते हैं, और हमारे बिजनेस से जाने वाला तमाम कैश, जिसको हम कैश आउटफ्लोज कहते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कैश बुक कहते हैं। और बैंक स्टेटमेंट वो होती है जब हमारा बैंक में अकाउंट होता है तो बैंक क्या करता है, हमारे अकाउंट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन को, अगर हमें चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन, तो हमें एक पेपर पे लिख के जितने हमने अमाउंट जमा करवाई, जिसे डिपॉजिट कहा जाता है, और जो हमने अमाउंट बैंक से निकलवाई, जिस अमाउंट को विदड्रॉ करवाया जाता है या निकलवाया जाता है, विदड्रॉ कहा जाता है जो अमाउंट हम निकलवाते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया जितने भी हमारे विदड्रॉज हैं और जो हमारे डिपॉजिट्स हैं, उसको जिस पेपर पे लिख के बैंक हमें देता है उसे बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। अब होता क्या है, हमने भी अपने पास कैशबुक में रिकॉर्ड रखा होता है। लेट सपोज हमने लिखा है कि हमारी कैशबुक कह रही है कि हमारे पास कैशबुक में जो हमने अमाउंट लिखी हुई है कि हमारे बैंक में अमाउंट 50,000 होनी चाहिए। और होता क्या है, जो बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आती है उस बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास अमाउंट है 40,000 हमारे बैंक अकाउंट में। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंट रीजंस की वजह से आता है। ये रिकॉर्डिंग कभी पहले हो जाती है कैशबुक में, कभी बैंक स्टेटमेंट में पहले हो जाती है, और भी बहुत से रीजंस हैं, कोई एरर हो सकता है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आते हैं। अब इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, ये डिफरेंस 10,000 का है, इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, और इसी तरह जो अमाउंट के डिफरेंसेज आते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। अब अनफेवरेबल क्या होता है, जब हमने बैंक में जो पैसे जमा करवाए होते हैं, जो डिपॉजिट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और विड्रॉल्स जो हम पैसे बैंक से निकलवाते जाते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी हम लोग जो डिपॉजिट करवा रहे हैं वो कम है और जो हम लोग निकलवा रहे हैं वो ज़्यादा है, तो इन विड्रॉल्स में से कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो कि हम बैंकर्स से ले रहे होते हैं, बैंकर से कर्ज ले रहे होते हैं, तो इसको जब हम लोग विड्रॉल ज़्यादा ले रहे होते हैं, अमाउंट डिपॉजिट कम करवा रहे होते हैं, इसको हम फिर जो बैलेंस आता है उसे अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं, जो कि हमारी लायबिलिटी होती है कि बैंक ने जो हमें ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, विड्रॉल्स हमने ज़्यादा करवाए हैं, वो हमने बैंक को वापस करने होते हैं, और ये ओवरड्राफ्ट जो है ये हमारी लायबिलिटी होती है। अब बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने पासबुक लिखा है, यहाँ बैंक स्टेटमेंट लिख दिया है। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट का नाम है। अब जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है तो डिफरेंट तरह के बैलेंसेस हमें गिवन होते हैं। अब कौन कौन से बैलेंसेस गिवन होते हैं, यहाँ पे हम इन बैलेंसेस को लिख देते हैं। ये बैलेंसेस जो हैं, ये कैश बुक का हमें या फेवरेबल बैलेंस गिवन होता है, यानी फेवरेबल का मतलब है जो हमारे पास अमाउंट इनफ्लोज आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं, आउटफ्लोज जो जा रहे हैं वो कम हैं, तो हमारा बैलेंस जो है वो फेवरेबल है। या अनफेवरेबल बैलेंस होता है, यानी हमारे आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और अमाउंट हमारे पास जो आ रही है वो कम आ रही है, तो वो हमारा बैलेंस अनफेवरेबल कैश बुक का बैलेंस होता है। और बैंक स्टेटमेंट का भी बिल्कुल इसी तरह फेवरेबल बैलेंस होता है अगर हमारे डिपॉजिट जो कि हम जमा करवा रहे हैं वो ज़्यादा हैं और जो विड्रॉल्स हैं वो कम हैं। और अनफेवरेबल बैलेंस कैश बुक का वो होता है जब, जैसे हमने अभी देखा, जब हमारे डिपॉजिट्स कम होते हैं और विड्रॉल्स ज़्यादा होते हैं, और अनफेवरेबल बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस गिवन होगा, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन होगा, स्टार्टिंग बैलेंस जो है और वो किसका होगा, वो बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। तो हम देखेंगे उस केस में हम किस तरह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए जो हम अप्लाई करेंगे। जब हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन का बैलेंस अनफेवरेबल बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक का बैलेंस गिवन हो तो किस तरह से हम बनाएंगे, हमने जो बेसिक रूल किए थे हम उन्हें दोबारा देख लेते हैं। कैशबुक का जब हमें बैलेंस गिवन होगा, जब हमें कैशबुक का बैलेंस गिवन होगा तो हम फुली कंसंट्रेट करेंगे पासबुक के बैलेंस पे, ऐसी चीज़ जो कि हमारे पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज कर रही है उसे हम कैशबुक का बैलेंस जो कि हमें अगर गिवन होगा तो उसमें ऐड कर देंगे, और ऐसी चीज़ जो हमारे पासबुक के बैलेंस को डिक्रीज कर रही है तो हम उसे जो कि कैशबुक का बैलेंस गिवन है उसमें से लेस कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया व्हेन कैशबुक बैलेंस इज गिवन, तो हम लोगों ने ये करना है। और इसके अलावा जब हमारे पास जो बैलेंस गिवन होगा वो बैलेंस हमारे पास पासबुक का होगा, ये बैलेंस जो गिवन है इसकी बात हो रही है वो बैलेंस जो स्टार्ट में हमें दिया गया होगा, जिस बैलेंस से हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी शुरू करनी है। तो जब पासबुक का बैलेंस हमें स्टार्ट वाला गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, हम
पूरा कंसंट्रेट जो करेंगे वो कैश बुक पे करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस के बराबर हो जाए। तो हर वो चीज़ जो कैश बुक को इंक्रीज कर रही है, जो पासबुक का बैलेंस गिवन है उसमें हम वो ऐड कर देंगे, और जो कैश बुक को कम कर रही है या डिक्रीज कर रही है उसे हम जो पासबुक का बैलेंस गिवन है उसमें से लेस कर देंगे। अब इन रूल्स में से जो कैश बुक का रूल है, यानी कैश बुक का बैलेंस अगर गिवन हो जो अप्लाई होगा, वही चीज़ अप्लाई होगी अगर पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट गिवन है या पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस गिवन है। यहाँ पासबुक को हम बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब इसके लिए बैंक स्टेटमेंट का नाम ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लिखा है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर गिवन होगा या अनफेवरेबल बैलेंस गिवन होगा तो हम यहाँ पे यही रूल इस्तेमाल करेंगे जो कि हम कैश बुक के लिए करते हैं, यानी वो अमाउंट जिससे हमारी पासबुक के बैलेंस में इंक्रीज आ रहा है उसे हम पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में ऐड कर देंगे, और वो अमाउंट जिससे हमारी पासबुक के बैलेंस में कमी आ रही है उसे हम पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग बैलेंस गिवन होगा उससे लेस कर देंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि पासबुक को बनाने के लिए पासबुक से का बैलेंस है स्टार्ट का, और फिर उससे हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो हम इसको रीड करते हैं, देखते हैं हम इससे किस तरह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट ₹60,000 गिवन है। सबसे पहले कौन सा बैलेंस गिवन है, यहाँ पासबुक का बैलेंस गिवन है, और पासबुक का कौन सा बैलेंस गिवन है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है। अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट ना भी लिखा हो तो पासबुक का डेबिट बैलेंस लिखा होने का मतलब है कि ये बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि बैंक में जब अमाउंट कुछ जमा करवाई जाती है और बैंक की अमाउंट बैंक में हमारा बैलेंस ज्यादा होता है तो बैंक उसे क्रेडिट कहता है, और बैंक में जब हमारी अमाउंट कम हो जाती है और अमाउंट नहीं होती है और हम बैंक से पैसे निकलवा आते रहते हैं, अब विड्रॉ करवाते रहते हैं, तो उसे बैंक डेबिट कहता है। तो पासबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि ये बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो सबसे पहले हम इस बैलेंस को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन यहाँ हमारे पास है, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमने देखा था हमारी लास्ट वीडियो में, सबसे पहले उस का नेम लिखा जाता है जिसकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जा रही होती है, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और जिस तारीख को बनाई जा रही होती है यहाँ वो तारीख लिखी जाती है। यहाँ हमने लिख दिया ये 31 दिसंबर 2017 की बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो हमारे पास है ₹60,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ₹60,000 पासबुक का ओवरड्राफ्ट यानी अनफेवरेबल बैलेंस है। अच्छा, अब हम दूसरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो यहाँ हमारे पास गिवन है, चेक इश्यू ड्यूरिंग द मंथ अमाउंटिंग टू ₹160,000, ₹160,000, ₹180,000 and ₹2,00,000। ये चेक इशू किए गए हैं ड्यूरिंग द मंथ। चेक इशू होने का मतलब ये है कि हमने अपनी कैश बुक से ये अमाउंट निकाल दी है, इस अमाउंट के चेक हमने इशू कर दिए हैं। और दूसरी तरफ क्या हुआ, एंड अ चेक फॉर ₹1,80,000 प्रेजेंटेड टू बैंक ऑन 2 जनवरी 2018। यहाँ पे हमने कहा रूल क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमें गिवन था तो यहाँ पे हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे, यानी जो चीज़ पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज कर रही है उसे ऐड करना है हमने पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में, और जो चीज़ पासबुक के बैलेंस को कम कर रही है उसे हमने पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से लेस करना है। तो ये जो अमाउंट है चेक जो हमने 1,80,000 का इशू कर दिया है लेकिन वो बैंक को प्रेजेंट अभी नहीं किया गया, मतलब जिस डेट को हम बना रहे हैं, हम 31 दिसंबर 2017 को बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उस डेट को प्रेजेंट नहीं किया गया तो इसका मतलब है ये अमाउंट अभी हमारी बैंक में पड़ी हुई होगी, इससे हमारे जो पासबुक का बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा होगा तो इसको हम पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में जमा कर देंगे। यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, और जो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया उस चेक को हम अनप्रेजेंटेड चेक्स कह सकते हैं। यहाँ पे ये इस चेक की अमाउंट, ये कितने चेक हैं, ये एक चेक है, और इसकी अमाउंट क्या है, इसकी अमाउंट है 1,80,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर कि ये एक चेक है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया ये क्योंकि एक चेक है, और यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दी है कितने का चेक है, ₹1,80,000 का। तो 1,80,000 हमने यहाँ पे इस कॉलम में लिख दिया, जो भी ऐड करना है या हमने लेस करना है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर हम टोटल करके इसका इस कॉलम में ले जाएंगे अगले कॉलम में, और फिर हम देखेंगे जो बैलेंस आता है वो हमारे पास क्या आता है। इसके बाद है हमारे पास चेक डिपॉजिटेड 240,000, 2,40,000, 3,60,000 and 2,00,000 का चेक जो है हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा ये अमाउंट आ चुकी है, लेकिन हुआ क्या, बट ऑफ दीज चेक्स ₹60,000 and 2,00,000 ये मिला के बन गए 2,60,000।
260,000 के जो चेक हैं वो अमाउंट अभी बैंक ने कलेक्ट नहीं की इस महीने के आखिर तक, जिस महीने की हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो क्या होगा, ये अमाउंट बैंक में नहीं आई होगी, इससे हमारी पासबुक का बैलेंस जो है वो कम हो रहा होगा, तो हम उसको पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से लेस कर देंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम इसे कह सकते हैं कि ये वो चेक है जो अभी कलेक्ट नहीं हुआ। ऐसे चेक जो अभी कलेक्ट नहीं हुए होते उसको अनकलेक्टेड चेक्स कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये अनकलेक्टेड चेक्स हैं और इसलिए हमने इसको यहाँ से लेस कर दिया। और ये कितने के चेक से, जो अनकलेक्टेड चेक से ₹2,60,000 के, तो वो हमने एक 2 लाख का था और दूसरा 60,000 का, उसे जमा करके हमने यहाँ पे 2,60,000 के अनकलेक्टेड चेक्स लिख दिए। इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक, यानी इंटरेस्ट पासबुक में डेबिट किया गया है। पासबुक में डेबिट होने का मतलब ये है कि ये हमारे अकाउंट से अमाउंट निकलवाई गई है। हमने देखा था हमारी लास्ट वीडियो में कि पासबुक में जब कोई बैलेंस आती है, जब कोई बैलेंस आता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है और जब निकलता है तो उसे डेबिट किया जाता है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम लोग कैशबुक में कर रहे होते हैं। रीजन क्या होता है वो भी हमने जाना था। तो यहाँ क्या हो रहा है, बैंक ने हमारे अकाउंट से ₹20,000 निकाले हैं, तो पासबुक का जो बैलेंस होगा, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट हमारी बैलेंस शो कर रही है वो 20,000 से कम शो कर रही होगी, तो हम इसे जो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारे पास गिवन है उसमें से ये अमाउंट लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं ये 1,80,000। 1,80,000 को हमने हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 180,000 यहाँ लिखेंगे और ये 180,000 को हम 60,000 जो कि बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था उसमें जमा करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। 2,40,000 में से 2,60,000 प्लस 20,000 को जब हम लोग जमा करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये 2,80,000 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास अब बैलेंस आएगा, हम 2,40,000 में से 2,80,000 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ₹40,000 आ जाएंगे। तो बैंक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है अब वो है 40,000। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे जो हमें स्टार्ट में बैलेंस गिवन था वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था और वो पॉजिटिव के साथ गिवन था। ये हमारा बैलेंस 40,000 का बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो बैंक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है वो हमारी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक का ये अब फेवरेबल बैलेंस जो हमारे पास आया है वो हमारे पास है 40,000 रुपीज। और 40,000 कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो यहाँ हमने DR डेबिट के लिए लिख दिया। तो आज हमने सीखा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाती है जब हमारे पास पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन होता है।